हेलो दोस्तों, आज मैं जलेबी की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे मैं गेहूं के आटे से बनाई हूँ, जो क्रंची के साथ साथ बहुत टेस्टी भी है। आज मैं फर्स्ट टाइम गेहूं के आटे से जलेबी बनाई हूँ, जो कि सारे लोगों को काफ़ी पसंद आया है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करें, आप भी मैदा से जलेबी बनाना भूल जाएंगे। इस मेजरमेंट के लिए एक कप या कटोरी सेट कर लेंगे। मैं एक कप ले रही हूँ, उससे 2 कप आटा गेहूँ का लेना है और इसमें 1/4 यानी कि आधा कप अरारोट का पाउडर या चावल का आटा डालेंगे, यानी कि जितना गेहूं का आटा लेंगे उसका 1/4 भाग चावल का आटा या अरारोट का पाउडर डालेंगे। 2 पिंच मीठा सोडा डालेंगे और इसे अच्छे से छान लेंगे। अब मेजरमेंट वाली कप से 1 कप खट्टी दही लेंगे और कलर के लिए मैं यहाँ पे ऑरेंज कलर यूज कर रही हूँ। आप चाहे तो इसके जगह पर 2 पिंच हल्दी भी यूज कर सकते हैं, कलर से काफ़ी अच्छा जलेबी का कलर आता है। अब जिस कप से मैं आटा ली हूँ उसी कप से 1 कप पानी भरकर डालेंगे और इसे अच्छे से फेंट लेंगे। अगर आपके पास दही ना हो तो उसके जगह पर 4 टेबल स्पून वाइट विनीगर भी डाल सकते हैं या आधा नींबू का रस भी डाल सकते हैं। इस तरह इसे अच्छे से फेंटेंगे। यहाँ पे हमें परफेक्ट बैटर चाहिए, इसलिए अब आधा कप पानी लेंगे और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए फेंटेंगे। हाँ, जितना ज़रूरी हो उतना ही पानी डालेंगे। बैटर हमें ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा गाढ़ा चाहिए और इसे लगातार एक ही डायरेक्शन में फेंटेंगे। इस तरह से ये हमारा परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। अब चाशनी के लिए मैं मेजरमेंट वाले कप से 2 कप चीनी ले रही हूँ और इसमें 1.5 कप पानी लेंगे, 1 और आधा कप पानी डालेंगे। मैं यहाँ पे फूड कलर का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहे तो इसके जगह पर हल्दी भी डाल सकते हैं 2 पिंच। चाशनी हमें चिपचिपा सा चाहिए, इसे मीडियम फ्लेम में चढ़ा देंगे और उबाल आने के बाद भी इसे 3 से 4 मिनट तक उबलने देंगे। अब इसे चेक करके देखेंगे, अगर यह चिपचिपा सा लग रहा है और गाढ़ा गाढ़ा सा लग रहा है तो हमारा चाशनी रेडी हो चुका है। अब मैं इसे निकाल ले रही हूँ और इसमें 2-3 ड्रॉप केवड़ा एसेंस हो तो डाल दें, नहीं तो इलायची का पाउडर डालें, आधा नींबू का रस भी डाल दें ताकि क्रिस्टलाइजेशन ना हो। कोन बनाने के लिए इसका बीच का पॉइंट पकड़ कर हमें घुमाना है, इस तरह से कोन बनाएंगे, नहीं तो कोन से इधर उधर से बैटर फेंकने लगता है, इसलिए कोन बनाते समय खास ध्यान दें। अब एक गिलास में रखकर बैटर को इसमें डाल लेंगे। इसे भी अच्छे से यहाँ पे मोड़ना है, इसे घुमाते हुए तब रबर बैंड लगाएंगे और रबर को यहाँ काफ़ी टाइटली लगाना है, नहीं तो ये इधर से भी फेंक सकता है। इस तरह से 2 या 3 कोन बनाकर रेडी कर लेंगे और इसे कैंची से थोड़ा सा कट कर लेंगे। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो यहाँ पर फ्लेम को बिल्कुल लो कर लेंगे। यहाँ पर आपको ये खास ध्यान रखना है, फ्लेम को लो करके ही डालें, नहीं तो बहुत जल्दी ये लाल हो जाएगा एक साइड से। आपको जितना बड़ा भी जलेबी बनाना है उतना बड़ा सर्कल बना लेंगे और उस सर्कल को धीरे धीरे भर लेंगे। अगर पैन छोटा हो तो एक बार में 2 ही जलेबी बनाएंगे। इसे हल्का सा हिला देंगे। अब फ्लेम फिर से मीडियम कर लेंगे। जैसे ही तेल का टेम्परेचर कम हो जाए तो फ्लेम को फिर से मीडियम कर लेंगे।
फिर से फ्लेम को लो कर लेंगे। ये यहाँ पर खास ध्यान देने वाली बात है। फिर इस तरह से पहले जलेबी बना लेंगे, उसके बाद फिर से फ्लेम को मीडियम कर लेंगे। इसे भी पलटते हुए इस तरह से लाल करते हुए निकाल लेंगे। जब भी जलेबी डालें तो फ्लेम को लो कर लें, नहीं तो आप यहाँ पर हाथ नहीं रख पाएंगे और जलेबी भी एक साइड से लाल और दूसरे साइड से कच्ची रह जाएगी। इस तरह से सारी जलेबी को तल लेना है। जलेबी को चाशनी में डालते समय चाशनी को भी हल्का गर्म रखना है। इस तरह से 10 से 15 सेकेंड दोनों तरफ से डुबाते हुए निकालते जाएंगे। इस तरह से सारी जलेबियाँ चाशनी में डालकर निकाल लेंगे। ये जलेबी काफ़ी कुरकुरी बनती है, इसे आप चाहें तो 3 से 4 घंटा रख के आराम से खा सकते हैं। देखिए मेरे तोड़ने से ही पता चल रहा है ये काफ़ी कुरकुरी बनी हुई है। यदि मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आता हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी टच करें। इस तरह की स्टैंड जलेबियाँ जब चाहें तब आप बनाएं, जब इच्छा करें तब आप इसे 10 मिनट में तैयार कर सकते हैं। इसमें मैं घर की मलाई को फेंट कर डाल दे रही हूँ, जिससे इसका टेस्ट डबल हो जाएगा। अभी मैं आधा बैटर ही यूज की हूँ, आधा बैटर से 2 प्लेट भर के जलेबियाँ तैयार हो गई है। बची हुई बैटर को फ्रिज से बाहर ही रखेंगे, जैसे जैसे बैटर खट्टी होते जाएगी जलेबियाँ और भी टेस्टी और कुरकुरी बनेगी। ये देखने में जितना टेम्प्टिंग है उतना खाने में भी टेस्टी है। आप ज़रूर एक बार ट्राई करें, आपको ज़रूर पसंद आएगी। इस तरह से आप भी जलेबी बनाएं, खाएं और एंजॉय करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।